ओके तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ठीक है, जेनेटिक्स पोर्शन में, जेनेटिक्स डिवीजन में आता है ये चैप्टर बायो के. और जेनेटिक्स के कुल तीन चैप्टर्स हैं आपके इसमें एनसीईआरटी में. एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस और तीसरा है एवोल्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें बेसिक जान लेते हैं. अच्छा, एक बात समझ लीजिएगा कि जेनेटिक्स में मतलब सब कुछ समझने का ही है ज़्यादातर. ठीक है, तो आप इसको अगर बहुत अच्छे से समझेंगे तो इस पर एक्चुअली भी क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आएंगे, कंसेप्चुअल आने के चांस रहते हैं. तो वो तभी क्लियर हो सकते हैं, तभी आप कर सकते हो उनको, जब आपने एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया है. याद रखिएगा, जब तक आप किसी भी वीडियो पर परफेक्टली कमांड नहीं कर लेते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो पर मत जाइएगा. अगर आपको हर चीज़ समझ में आ जाती है किसी वीडियो में तभी नेक्स्ट वीडियो पर जाइएगा, वरना मत जाइएगा. आप उसको मुझसे पूछिएगा कई बार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बार बार, लेकिन उसको समझिएगा पहले ढंग से. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं. जैसे कि जेनेटिक्स जो वर्ड है वो डब्ल्यू बेटसन साइंटिस्ट ने दिया था. ठीक है, तो ये कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन थे जो नीट में अक्सर बन जाते हैं. जेनेटिक्स मीन्स कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आना. ऑफस्प्रिंग मतलब उनके बच्चों में आना. ऑफस्प्रिंग वर्ड जो है वो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं, हम वहां पर क्लोन्स यूज करते हैं वर्ड. तो वो क्लोन्स होते हैं क्योंकि एग्जैक्टली सेम कॉपी है वो पेरेंट्स से. लेकिन ऑफस्प्रिंग जो वर्ड है वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग जो बच्चे पैदा हुए उनके लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, और वेरिएशन मतलब क्या है? कि पेरेंट्स से वो सिमिलर तो है, मतलब दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सब कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं है. तो वो सिमिलर है, सेम नहीं है. तो वो जो चेंज है, डिफरेंस आया है, वही वेरिएशन कहलाता है. ठीक है, तो जेनेटिक्स मींस कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस. नेक्स्ट है हेरिडिटी. ठीक है, मैंने हेरिडिटी अभी आपको समझाया, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का जाना ही हेरिडिटी कहलाता है. कई बार इसी वर्ड को इंटरचेंजेबली, मतलब हम इसकी जगह इनहेरिटेंस वर्ड भी यूज कर लेते हैं, पर एग्जैक्टली अगर हम देखते हैं बहुत बेसिक लेवल पर तो हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का होना, और इनहेरिटेंस का मतलब है कि मैकेनिज्म जिसके थ्रू हेरिडिटी हुई है. ठीक है, इनहेरिटेंस इट इज अ प्रोसेस या मैकेनिज्म बाय विच हेरिडिटी हैपेंस. ओके, या मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी कह सकते हैं इसको, या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, वेरिएशंस डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, कितना किस हद तक, डिग्री है मतलब एक्सटेंट, किस हद तक डिफरेंस है पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग्स में, या जो सिबलिंग्स हैं, जो भाई बहन हैं आपस में, उनमें कितना डिफरेंस है एक दूसरे को लेकर, वही जो एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस है, जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, वही क्या कहलाता है? वेरिएशन. जे जी मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल, उनके बारे में हम और डीप में बात करेंगे अभी. ग्रेगर जोहान मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं. ठीक है, डब्ल्यू बेटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहलाते हैं. थॉमस हंट मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहलाते हैं. ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्यों कहलाते हैं ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बस आप उसको याद कर लीजिए. ए जेरॉड, ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहलाते हैं. ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई. अब है बेसिक, सम बेसिक कंसेप्ट. इस चैप्टर को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, तो मैंने यहां पर वो बताने की कोशिश की है. जीन पार्ट ऑफ डीएनए है, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जीन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर के लिए हमें जितनी जरूरत है हम बस उतना ही जान रहे हैं. तो आप ये ना समझिए कि सर ने जीन में कुछ बताया नहीं, बताएंगे अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में है सब कुछ. तो जिसकी जरूरत अभी इस चैप्टर में नहीं है हम उसके बारे में बहुत ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे. ठीक है, तो जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए है. हमारे डीएनए में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है फंक्शनल, एक होता है नॉन फंक्शनल. तो जो फंक्शनल पार्ट है, अब फंक्शनल का मतलब क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे. जो फंक्शनल पार्ट है डीएनए का वही जीन कहलाता है. ठीक है, डीएनए अलोंग विद प्रोटीन्स, डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ मिलकर एक ऐसी पैकेजिंग करता है कि वो क्रोमेटिन फाइबर्स बना लेता है. क्रोमेटिन फाइबर्स, एक क्रोमेटिन फाइबर में बहुत सारा डीएनए है. ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर्स गेट कंडेंस्ड. अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स भी जो है, मान लीजिए ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं,
these are the fibers, okay, and they are made up of DNA. तो ये जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो एक क्रोमेटिन फाइबर्स पास में आ जाते हैं और एक क्रोमोसोम बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमेटिन फाइबर्स गेट कंडेंस्ड एट सेल डिवीजन, ऐसा कब होता है, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमेटिन फाइबर्स गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन फाइबर्स गेट कंडेंस्ड एट द सेल डिवीजन टाइम एंड फॉर्म्स क्रोमोसोम्स, hence chromosomes possess genes। तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम के पास क्या है, जीन है। कोई क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर से बना है, क्रोमेटिन फाइबर डीएनए से बने हैं और डीएनए का एक पार्ट जीन होता है, ठीक है। सेल्स हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो दो टाइप की सेल्स हैं, एक है रिप्रोडक्टिव सेल्स और एक है सोमेटिक सेल्स। तो जो हमारी सोमेटिक सेल्स हैं वो सारी कैसी हैं, डिप्लॉइड, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। टू सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब क्या है कि एक सेट आया है कहां से, फादर से, एक सेट आया है कहां से, मदर से, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम जो है हमारी सेल में, कितने क्रोमोसोम से, 46। तो 23 क्रोमोसोम्स कहां से आए, फादर से। मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम्स है वो कितने, 23 है, 1 2, फिर मैंने ऐसे एरो कर दिया है और ये लास्ट क्रोमोसोम है। तो टोटल 23 क्रोमोसोम्स है, ये मान लो कहां से आए, मदर से, ठीक है। ये वाला एक दूसरा सेट है, इट इज अनदर सेट। ये सेट कहां से आया है, फादर से। इसमें भी कितने क्रोमोसोम है, 23। तो 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46। इस तरीके से 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है, ओके। अब एक टर्म हमको समझना है, इस टर्म का नाम क्या है, होमोजाइगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं जरा, देखिए मदर से आए हुए 23 क्रोमोसोम्स और फादर से आए हुए 23 क्रोमोसोम्स, उनमें से कोई भी दो क्रोमोसोम ऐसे हैं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये हुए क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम में जीन्स जो है वो सेम कैरेक्टर की प्रेजेंट है, मतलब क्या है इसका कि अगर इस क्रोमोसोम के पास इस जगह आई कलर की, आई क्या, आंख के जो कलर होता है हमारा, ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, कई सारे कलर होते हैं, अगर मान लीजिए आई कलर की ये जीन है वो फादर से, ये फादर किसे आए हुए क्रोमोसोम में यहां पर है और जो मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है उसमें भी यहीं पर है, ठीक है। तो वो क्रोमोसोम जिनके, वो दो क्रोमोसोम मतलब एक मदर का और एक फादर का, वो दो क्रोमोसोम जो एक मदर का और एक फादर का, दोनों क्रोमोसोम के पास सेम लोकस पर या लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट है, सेम कैरेक्टर है, ये भी आई कलर की जीन है और ये भी आई कलर की ही जीन है, ठीक है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स आपस में क्या कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इन क्रोमोसोम्स को हमने क्या कहा दोनों को, कलेक्टिवली होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मतलब ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास आई कलर की जीन है, इसके पास है ही नहीं, तो क्या हुआ, तो मतलब ये दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं हुए। होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम वही होते हैं जिनके पास सेम कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट होती है और वो जो जीन होती है सेम कैरेक्टर की वो सेम लोकेशन पर होती है। तो होमो मतलब क्या हो गया, सेम। जायगस मतलब क्या हो गया, होमोलोगस मतलब क्या हो गया, होमो मतलब सेम, लोगस मतलब क्या हो गया, लोकस, ये लोकाई, ठीक है। अच्छा इसको मैंने आपने जायगस कर दिया था, ये लोकस है, सॉरी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो लोकस मतलब लोकेशन, तो सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर की जीन अगर किसी दो क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, एक मदर से एक फादर से आए हुए क्रोमोसोम ले रहे हैं उसमें हम, ठीक है, तो वो दोनों क्रोमोसोम्स आपस में क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये दोनों जीन जो है सेम कैरेक्टर की, जैसे मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं कि हेयर कलर की है, तो यहां पर क्या है, ब्लैक हेयर, फादर से आइए, मान लीजिए ब्लैक हेयर कलर की जीन है, ये ब्लैक की है, और जो मदर से आई है वो कैसी है, ब्राउन की है,
ठीक है, लेकिन दोनों है तो हेयर कलर की चीज, ठीक है, और दोनों जो ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिकॉज दे हैव जीन ऑफ सेम कैरेक्टर, और कैरेक्टर क्या है यहां पर, हेयर कलर, बालों का कलर, ठीक है, तो सेम कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट है दोनों क्रोमोसोम पर, सेम लोकेशन पर भी है, तो ये क्रोमोसोम आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो टोटल कितने होमोलोगस पेयर हो जाएंगे हमारे अंदर, 23 पेयर, ठीक है, देखिए एक पेयर ही बन गया, ऐसे दूसरा पेयर ही हो गया, ऐसे जो 23 क्रोमोसोम से पेयर है वो सारे क्या है, होमोलोगस, समझ में बात आई, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए इस चीज को, ये जो पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये पेयर है, ये पेयर है, अगर आपको ये लग रहा है कि इस पूरे क्रोमोसोम में सिर्फ एक ही जीन है तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी जीन है, ठीक है, और जो भी जीन यहां पर, अगर ये दोनों होमोलोगस है तो जो भी कैरेक्टर की जीन इस पर प्रेजेंट होगी उसी कैरेक्टर की जीन इस पर भी प्रेजेंट होगी, ये हो सकता है कि वो डिफरेंट हो पर कैरेक्टर सेम होगा, मतलब देखिए दोनों डिफरेंट, ये ब्लैक कलर की जीन है और ये ब्राउन हेयर कलर की जीन है, दोनों डिफरेंट है बट है दोनों सेम कैरेक्टर की, और कैरेक्टर यहां पर क्या है, हेयर कलर, ठीक है, तो सेम कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट होना किसी भी दो क्रोमोसोम में, दो क्रोमोसोम कौन से, सिर्फ फादर से आए दोनों क्रोमोसोम को नहीं ले रहे, दोनों क्रोमोसोम मतलब, दो क्रोमोसोम मतलब क्या है, एक मदर से आया और एक फादर से आया, उन दो क्रोमोसोम में अगर सेम कैरेक्टर जीन प्रेजेंट होती है सेम लोकेशन पर तो ऐसे क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है, ओके। अब वो जीन जो सेम कैरेक्टर की है और होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो जीन क्या कहलाती है आपस में, एलील, एलील या एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं इसको हम, तो ये दोनों जीन जो है जो ब्लैक की और जो ब्राउन की हो गई, ये क्या हो गई, दीज आर एलील्स, समझ में आया, एक हो गई एलील, दोनों हो गई एलील्स, ठीक है, तो यहां पर मैं बनाता हूं अलग से, मान लीजिए ये दोनों सेम कैरेक्टर की जीन है, हेयर कलर के एग्जांपल के लिए, हेयर कलर, लेकिन एक ब्लैक एक ब्राउन डिफरेंट है, फिर भी ये दोनों जो जीन है वो क्या है, एलील्स कहलाएंगी, दीज आर एलील्स, तो एलील्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, समझ में आया, ठीक है, ओके, और एक को क्या हमने एलील कहेंगे, प्लूरल है एलील्स, दोनों को एलील्स और एक को एलील, ठीक है, एलील जो वर्ड है बहुत बाद में दिया गया था, ठीक है, एलील जो वर्ड है वो बहुत बाद में दिया गया था, पहले इनको नाम क्या दिया गया था, मेंडल ने क्या नाम दिया था इनका, फैक्टर, चलिए ये बाद में देखेंगे, उसको भी रहने दीजिए, इतना समझिए एलील्स, ठीक है, ओके। अब एक चीज और हमको उसमें देखनी है कि हमारा बालों का कलर या तो ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक जीन है वो डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर, हावी है, उसकी ज्यादा चल रही है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जो डोमिनेंट होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो जो ब्लैक है इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, मान लीजिए एग्जांपल कैपिटल बी, कैपिटल बी इससे करेंगे, ठीक है, हमने कैपिटल बी से रिप्रेजेंट किया है इसको, हमने कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट किया है, ये ठीक है, और ब्राउन को रिप्रेजेंट कैसे किससे कर रहे हैं, स्मॉल बी से, जो रिसेसिव होता है उसको हम स्मॉल लेटर लेते हैं, रिसेसिव का मतलब क्या है, क्या वर्ड यूज किया मैंने, रिसेसिव, रिसेसिव मतलब जिसकी नहीं चली, जो दब गया, दो कैरेक्टर थे दोनों हेयर कलर के हैं, लेकिन जब बच्चा जो पैदा हुआ तो उसमें जो कलर आया हेयर का वो क्या आया, वो ब्लैक आया, ब्राउन नहीं आया, उसका मतलब क्या हुआ, जो ब्राउन की जीन थी उसने इस, सॉरी जो ब्लैक की जीन थी उसने ब्राउन की जीन को दबा दिया, भाई अगर बच्चे का कलर ब्लैक हुआ हेयर का, उसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक वाली जीन ने ब्राउन वाली जीन को दबा दिया, उसकी नहीं चल रही थी, तो जिसकी चली या जिस जो हावी रहा उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन, तो ये क्या हुआ, दिस इज डोमिनेंट जीन,
ठीक है, और डोमिनेंट कैरेक्टर्स की जो जीन होती है उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। जो रिसेसिव जीन होती है, मतलब जिनकी नहीं चलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेसिव जीन्स, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं किसे, स्मॉल लेटर से। तो मैंने स्मॉल बी लिखा है, ठीक है। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिया था, तो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं हाइट का। मान लीजिए ये फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है और ये मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम से हैं। इस पर यहां पर हाइट की जीन प्रेजेंट है, इसके पास भी यहां पर हाइट की जीन प्रेजेंट है, हाइट की, ठीक है, लंबाई की। तो ये जो है मान लीजिए किसके लिए, टॉल के लिए है, और ये ड्वार्फ के लिए। जो फादर से आई है वो टॉल की जीन आई है, जो मदर से आई है वो ड्वार्फ की जीन आई है, ठीक है। तो टॉल वाली जो जीन है वो डोमिनेंट जीन है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसकी चलती है ड्वार्फ के ऊपर हमेशा। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से, और ड्वार्फ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से, ठीक है। तो जो बच्चा होगा उसको हम क्या लिखेंगे, उसके पास दो जीन है, कौन सी, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके पास हाइट की क्या, हाइट का कॉम्बिनेशन क्या जीन का, ये वाला है, एक फादर से आई है और एक मदर से आई है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये टॉल होगा। टॉल क्यों है, क्योंकि अगर ये वाली जीन प्रेजेंट है, कैपिटल वाली, ये डोमिनेंट वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो इसी की चलती है, फिर इसकी नहीं चल पाएगी, तो ये टॉल। लेकिन अगर ऐसा होता कि दोनों में सेम होती कंडीशन, मान लीजिए यहां पर भी क्या टॉल किया ये, यहां से भी टॉल किया ये, तो क्या होता बच्चे का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप क्या होता उसका, ये, फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी टॉल होगा क्योंकि दोनों टॉल ही है, तो टॉल ही होगा, कुछ झगड़ा ही नहीं अब तो, ठीक है, ओके। दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है, दोनों की चलेगी, बराबर बात देखिए, ठीक है। नेक्स्ट एक केस और हो सकता है क्या, कि दोनों में ही क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट होगी। मान लीजिए यहां पर है ड्वार्फ की, और यहां पर भी क्या है, ड्वार्फ की जीन है, ठीक है। तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, स्मॉल डी से, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी से, ठीक है। तो जो बच्चे का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, स्मॉल डी, तो इसकी हाइट होगी क्या होगी, ये क्या कहलाएगा, ड्वार्फ होगा, ये इट इज ड्वार्फ, टॉल नहीं होगा, ये ड्वार्फ होगा, ठीक है, इट इज ड्वार्फ, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ओके। अब देखिए यहां पर इसको देखते हैं, ये दोनों डिफरेंट है पर फिर भी टॉल है, क्यों, क्योंकि ये वाली जो जीन है वो क्या है, वो डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। जो डोमिनेंट जीन होती है उसी की चलती है। रिसेसिव वाली जीन अपना कैरेक्टर तभी दिखा सकती है जब दोनों पेरेंट से सेम रिसेसिव जीन आए। तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, दोनों पेरेंट से रिसेसिव जीन आई है, स्मॉल डी आई है, तभी ये अपना कैरेक्टर दिखा पाया। ऐसा कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फनेसी तो है, तो इसने अपना कैरेक्टर तब दिखा पाया जब ये दोनों सेम जीन आई है दोनों पेरेंट्स से, ठीक है। तो अगर दोनों जीन्स सेम आती है, अगर दोनों जीन्स सेम आती है पेरेंट से, मान लो देखिए यहां पर क्या था, दोनों टॉल आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को होमोजाइगस कंडीशन। और अगर यहां पर देखिए क्या हुआ, डिफरेंट आई है, यहां पर क्या टॉल आई है, ड्वार्फ आई है। अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वी कॉल इट हेटरोजाइगस है। तो ये कंडीशन क्या है, होमोजाइगस, ये कंडीशन क्या है, हेटरोजाइगस, ये कंडीशन क्या है, होमोजाइगस, क्योंकि यहां पे सेम है, होमोजाइगस है, ठीक है। तो ये हुआ क्या, एक बेसिक चीज, ओके। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट, अगर इसको पूरे नाम को देना हो तो क्या कहेंगे इसको, देखिए ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे अंदर होमोजाइगस जीन्स हैं हाइट की, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं कह रहा हूं ये वाला कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं, डिफरेंस तो है ना दोनों में। तो क्या कहूंगा इसको, मैं इसको मैं कहूंगा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव
कंडीशन, ठीक है, और इसको मैं क्या कहूंगा, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और हेटरोजाइगस की कुछ नहीं जरूरत है डोमिनेंट रिसेसिव, क्यों, क्योंकि हेटरोजाइगस से एक ही कंडीशन हो सकती है, क्या, ये वाली, मतलब एक टॉल होगा और एक डॉर्फ होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, तो याद रखिएगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनमें एलील प्रेजेंट होती है, एलील मतलब जिनमें सेम कैरेक्टर की जीन प्रेजेंट होती है सेम पोजीशन पर, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब वो जो एलील्स हैं वो दोनों सेम कैरेक्टर की तो होंगी, लेकिन वो बिल्कुल सेम हो सकती है, जैसे कि दोनों टॉल की है या डिफरेंट हो सकती है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो कैरेक्टर सेम है बट ट्रेट डिफरेंट है, ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या है, यहां पर सेम है तो होमोजाइगस डोमिनेंट, यहां पर सेम है डॉर्फ तो क्या है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, और यहां पर क्या है हेटरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। जैसे याद रखिएगा इस बात को कि रिसेसिव जीन को, मतलब जो जीन दब जाती है जिसका कैरेक्टर शो नहीं होता है हेटरोजाइगस कंडीशन में, जैसे कि यहां पर ये हो गई, जैसे कि यहां पर ये हो गई, तो रिसेसिव जीन को अगर अपना कैरेक्टर दिखाना है तो उसको होमोजाइगस कंडीशन में आना पड़ता है, मतलब होमोजाइगस में जब ये आएगी तभी अपना कैरेक्टर शो कर पाएगी, तभी डॉर्फनेस आई है। ऐसे ही अगर ब्राउन, अगर बच्चे में ब्राउन कलर चाहिए हेयर का तो क्या होना पड़ेगा, तो मदर से और फादर से दोनों से ही ब्राउन की चीज आएगी तभी ऐसा हो पाएगा, मतलब बच्चे की कंडीशन अगर ये होगी तभी वो ब्राउन हेयर कलर होंगे इसके लिए, अगर एक भी अगर डोमिनेंट आ गया साथ में तो फिर ब्लैक हो जाएगी, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर हावी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से, अगर ये समझ में आपको आ गए तो ये चैप्टर आगे समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा।